अजमेर में लगता है अब कई कंपनियां लोगों को चूना लगाकर भागने की फिराक में लगी है, जिनमें शुक्रवार को एक कंपनी के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में निवेशकों ने मुकदमा दर्ज करवाया। अजमेर में अभी कुछ दिन पहले ही नगरा क्षेत्र में एक चिटफंड कंपनी संचालक लोगों के करीब 9 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कंपनी संचालक को गिरफ्तार कर लिया, मगर इससे मिलता जुलता एक और मामला सामने आया है। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत जीवन साकार निधि लिमिटेड नामक कंपनी संचालित की जा रही है। इस कंपनी में हजारों की संख्या में निवेशक हैं और करीब 3 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें निवेश किया है। अब जब कंपनी की लोगों को पैसे चुकाने की बारी आई तो निवेशकों ने कंपनी मालिक को अपने परिवार के साथ जाते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने निवेशकों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी आई थी 3 साल पहले अजमेर में, तो काफ़ी लोग हम एजेंट बने उसके अंदर, हम एजेंट के रूप में काम करते थे इसके लिए। और कुछ समय आज कम से कम जनवरी 2018 से ये कंपनी लोगों को पैसा नहीं दे रही है। जो पैसा मैच्योर हो चुका है उसको पैसे को टालम टोल किया जा रहा है और हमसे समय मांगा जा रहा है। और हमने इनको 1 से 1.5 साल समय दिया। जो डायरेक्टर साहब हैं पवन कुमार तगाया हैं, वो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी शिक्षक हैं, और इनके द्वारा ये कंपनी स्थापित की गई थी। पहले इनका ऑफिस जो था 9 नंबर पेट्रोल पंप पे था, और बाद में इन्होंने यहाँ पर केसरगंज शिफ्ट कर लिया। केसरगंज में जो ब्रांच मैनेजर साहब थे वो भी अभी वहाँ बैठते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर हमें कोई, जब हम वहाँ पे पैसे के लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आज यहाँ पर थाने पर आए हैं और रिपोर्ट दर्ज हमने करा दी है। ये सर कम से कम 2.5 से 3 करोड़ का मामला है वैसे, और इससे ऊपर भी हो सकता है।